और ये विजिट अब होगा या नहीं होगा, इसमें ये भी आ रहा है कि ये भी हो सकता है कि इंडिया की तरफ से अब ये कह दिया जाए कि बिलावल भुट्टो के आने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर अगर वो ग्रुप पाकिस्तान में है या दावा किया जाता है कि है, क्योंकि हम तो हर एक को मना कर देते हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। 10 साल तक हम उसामा बिन लादेन को खिलाते रहे और हमें पता ही नहीं था, हम इतने बेखबर लोग हैं। भारत इस वक्त इस रीजन की उभरती हुई एक पावर है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान नीड टू गेट अबोर्ड एंड क्लैरिफाई और क्लीन देयर रैकेट और अपॉर्चुनिटी को वेल करना चाहिए। मेरे ख्याल याद है ना क्या लेक्चर था, टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। बुज़दिल सिपा सलार ये कहता है कि हम भारत से जंग करने के काबिल नहीं है, हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारी तोपें जंग आलूदा है, हमारे टैंकों में डालने के लिए डीजल के भी पैसे हमारे पास मौजूद नहीं हैं। वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। बिलावल भुट्टो साहब ने जाना था भारत और ये वाकया हुआ। पब्लिक स्टेटमेंट कोई आर्मी चीफ ऐसी दे दे, बल्कि एक बुज़दिल सिपा सलार से भी था जिसकी कांपे टांग रही, और वो बात ठीक थी जो हामिद मीर साहब ने कही है। बहुत टाइम बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडिया जाने लगे थे, अनाउंस हुआ था कि वो शायद नेक्स्ट मंथ इंडिया जाएंगे। जिसने इसकी हमले की रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट की और उसको जिस तरीके से वो एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच किया जा रहा है, मेरे ख्याल में। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुंछ में हुए आतंकवादी हमले का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के रास्ते से पुंछ हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों ने घुसपैठ की थी। आस पड़ोस के गांव में आतंकी छिपे हुए थे। बेंबेर गली और पुंछ के बीच सेना के वाहन चल रहे थे। इसी दौरान भारी बारिश और कम विजिबिलिटी का फायदा उठाते हुए आतंकियों ने फायरिंग की। इनके साथ ही वाहन पर ग्रेनेड भी फेंके गए। इससे गाड़ी में बैठे जवानों को संभलने का मौका नहीं मिल सका। 5 जवान इसकी चपेट में आ गए। इनके नाम है हवलदार मनदीप सिंह, सिपाही हरकृष्ण सिंह, लास नायक कुलवंत सिंह, सिपाही सेवक सिंह और लास नायक देवाशीष। शहीदों में से 4 जवान पंजाब के हैं और 1 उड़ीसा का है। वहीं हमले में घायल 1 जवान को राजौरी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधर फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बयान दिया है जिस पर नया घमासान छिड़ गया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत नहीं शुरू होती, ऐसे हमले पर लगाम नहीं लगेगी। मैंने जो खबरें आपको बताई, मैंने इसलिए बताई कि पाकिस्तान और इंडिया कहाँ एक दूसरे के हम बड़े वो थे कि जनाब चलें, दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब ये जो मीटिंग होगी और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, तो ये क्या फॉरेन मिनिस्टर का विज़िट से पहले ही ये सब कुछ हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? और ये विज़िट अब होगा या नहीं होगा, इसमें ये भी आ रहा है कि ये भी हो सकता है कि इंडिया की तरफ से अब ये कह दिया जाए कि बिलावल भुट्टो के आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस तरफ से कहा जाएगा, लेकिन हमारी तरफ से क्या हम चाह रहे हैं ये कि बिलावल भुट्टो वहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर जाएं? क्या हम चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के हालात बेहतर हों? ये भी सोचने की ज़रूरत है। और कहीं हमारी तरफ से तो नहीं कह दिया जाएगा कि नहीं, हम नहीं आ रहे क्योंकि ये तो ये हो गया, ये तो हालात ही हो गए। जब ये सुबह सुबह और बल्कि कल रात से खबरें आना शुरू हुई तो उसी वक्त ये पता चल रहा था कि क्या अब ये मीटिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अभी भी पूरी कोशिश करनी चाहिए, इन हालात के बावजूद भी कोशिश करनी चाहिए कि ये वाली मीटिंग हो जो होनी है, और उसमें हमारी तरफ से फॉरेन मिनिस्टर जाएं। उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफ़ा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था, टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल, इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं। 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती इन द वर्ल्ड। उस वक्त भी हमें यकीन था, जब वो ये कह रहे थे तो मुझे उस वक्त भी यकीन था ये गलत कह रहा है, और आपने उसको कन्फ्रंट भी किया था, बल्कि आपको तो मुंह लाल हो गया था, इतने गुस्से में आ गई थी आप। ठीक है, ये GHQ वाली बात है, मुझे याद है, NDU वाली बात नहीं कर रहा, नहीं एडिटोरियम की बात, एडिटोरियम जहाँ पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। हमने कहा था, आपने अजीत दोवल के साथ इनको क्यों भेजा था जनरल फैज को बात करने, याद है जी, कि वो अच्छा। अब उसमें जो हमारा फॉरेन ऑफिस था उसको इन्होंने वही लेक्चर दिया जो उन्होंने आपको और मुझे दिया था। हमने ये देखा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो के जाने की जैसे ही बात शुरू हुई तो उसके बाद फिर से हालात पैदा हुए इंडिया जा रही है वहाँ पर, फिर उनकी तरफ से ये ब्लेम किया जा रहा है, कहा जा रहा है पाकिस्तान के कुछ जो तंजीमें हैं उनके ऊपर कहा जा रहा है कि उन्होंने करवाया, पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर जो है वो जवाब दे रहा है कि हमारे ऊपर इसका मलबा डाला जा रहा है वगैरह। इससे मुझे लगता है कि हालात आपको लगता है कि ठीक रहेंगे, क्या हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं? मेरे ख्याल में जो मैं हमेशा समझता हूँ इसमें आलिया, जो मेरी नजर में कि जो देखें इसकी टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव थी। टाइमिंग सेंसिटिव इस हवाले से थी कि बिलावल भुट्टो साहब ने जाना था भारत और ये वाकया हुआ। इसमें यह जरूर मैं कहूँगा कि कोई तीसरी ऐसी कुव्वत इसमें मौजूद है जो चाहती है कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप ठीक ना हो। अब उसमें मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल वाच कर रहा था भारत से जो आवाजें आ रही हैं कि जिसने इसकी हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की और उसको जिस तरीके से वो एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच किया जा रहा है, मेरे ख्याल में इस वक्त जो सख्त अशद जरूरत है कि पाकिस्तान की तरफ से इस केस को खोला जाए, इंटेलिजेंस को यूज किया जाए, एजेंसियां इसकी गहराई पे जाए। और इस पे मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ हर चीज में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। मेरे ख्याल में एक अपॉर्चुनिटी है इसमें कि पाकिस्तान अपने आप को इसमें से क्लैरिफाई करे और पाकिस्तान बावर कराए कि वी आर नॉट, दिस इज नॉट द स्टेट एजेंडा, दिस इज समबडी एल्स इज डूइंग इट एंड वी आर इवन द विक्टिम इन इट। तो मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने कहा कि हर चीज के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है, तो पाकिस्तान को चाहिए उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करे और अपने आप को क्लैरिफाई करे, नॉट इन फ्रंट ऑफ इवन देन भारत, पूरी दुनिया के सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान अपने आप को क्लीन करे कि वी हैव चेंज द पॉलिसी, वी आर नॉट, इट्स नॉट अ स्टेट स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग। मेरे ख्याल में और उससे आगे बढ़ा जा सकता है। भारत को भी उससे ना सिर्फ पावर कराया जाए, क्योंकि भारत इस वक्त इस रीजन की उभरती हुई एक पावर है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान नीड टू गेट अबोर्ड एंड क्लैरिफाई और क्लीन देयर रैकेट और अपॉर्चुनिटी को वेल करना चाहिए मेरे ख्याल। ठीक, अच्छा साजिद साहब, आपके लिए सवालात बहुत से आ चुके हैं। पहले मैं सुमन चटर्जी हैं जो कह रही हैं, विल पाकिस्तान फाइंड ए विजनरी लीडर हु कुड रीएंजीनियर पाकिस्तानी सोसाइटी टू वॉक पाथ ऑफ डेवलपमेंट फॉर ऑल सिटीजंस इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास और सेक्स। देखिए इस वक्त अगर जाती तौर पे मुझसे पूछा जाए तो एक तजर्बा हुआ था इससे 4 साल पहले, जिसमें मैं खुद शामिल था। उस तजर्बे को साथ दुआएं करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली अब उसके बारे में 2 ओपिनियन आ रही हैं। उसमें 2 ओपिनियन ये आ रही हैं कि खान साहब ने 4 साल तो मायूस किया, लेकिन उसके खान साहब के हर स्टेप को इस वक्त नोट किया जा रहा है। अगले दिन उन्होंने जो MPA के टिकट दिए उनके लिस्ट देखी जा रही है कि क्या हो रहा है।